राम राम दोस्तों, सत श्री अकाल। द विलेज रसोई में आप सभी का स्वागत है। बड़ों को प्रणाम और सभी को नमस्कार करती हूँ। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तो आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी और उसके साथ आलू की सब्जी। खाने के लिए हम बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ हम मूंग दाल लिए हुए हैं। मूंग दाल हम 3-4 घंटे पहले भिगो दिए थे और ये अच्छी तरह से फूल चुका है। यहाँ देखिए, इस तरह से ऐसे दाबिए अंगूठे से, नाखून से, तो अच्छे से कट रहा है। तो मूंग दाल अच्छे से फूल चुका है। इसे हम 2-3 पानी धुल लिए हैं अच्छे से। यहाँ देखिए, बिना छिलका वाली हम मूंग दाल लिए हुए थे, बाजार से मंगाई हूँ। तो कचौड़ी बनाने के लिए बिना छिलका वाली मूंग दाल बहुत ही स्पेशल रहता है, बहुत ही अच्छा बनता है, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे एक भगोना लिए हुए हैं जो छन्नी के नाप की है, तो हम इसी में इसे पलटेंगे। लगभग 3 पाव हम मूंग दाल भिगोए थे, सभी पानी इसमें से निकल जाएगा, सिर्फ दाल दाल बचेगा, तब हम इसे यूज करेंगे। तो मूंग दाल से पानी अलग हो रहा है, तब तक हम मसाला तैयार करते हैं। मसाला हम यहाँ लिए हुए हैं जो पीठी में हम यूज करेंगे। हम धनिया लिए हुए हैं 1 मुट्ठी के लगभग, आधी मुट्ठी सौंफ है, सौंफ से थोड़ा सा कम जीरा लिए हुए हैं, और 4-5 लाल मिर्च, 4 फूल हम लौंग लिए हैं, 1 छोटा चम्मच हींग है, और 10-12 आड़ा ये है काली मिर्च। तो यहाँ हम सभी मसाला को ज्यादा नहीं भूनेंगे, कुछ सेकंड हम इसे भूनेंगे। थोड़ा सा भून गया है, इसे हम पलट लेते हैं। तो मसाला हम भून चुके हैं, चूल्हे में आग भी जल रहा है। तो हम आलू यहाँ लिए हुए हैं सब्जी बनाने के लिए, तो सबसे पहले आलू को धो के रख देंगे। जब तक आलू उबल लेगा तब तक हम मसाला और पीठी तैयार करेंगे। तो आलू हमने रख दिया है उबलने के लिए, और इधर दाल से भी पानी निकल चुका है, और हम सबसे पहले मसाला जो भुने हुए हैं इसे पीस लेंगे। यहाँ मसाला पीस चुके हैं, तो देखिए इतना दरदरा है। यहाँ देखिए कितना दरदरा है, एकदम ना पाउडर रहे ना ज़्यादा दरदरा रहे, बस इसी तरह से रहेगा तो स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। और ध्यान रहे, मसाला हम ढक कर ही रखेंगे, इसे हम खुला में नहीं रखेंगे, हम इसे तुरंत ढक देंगे। इसे बिना पानी का पीसना है, तो हम थोड़ा सा दरदरा ही पीसेंगे, बिना पानी का ही पीसना है। थोड़ा नरम होता है उड़दी के दाल से, मूंग का दाल थोड़ा मुलायम होता है, तो बहुत आसानी से पीस लेते हैं हम। यहाँ तो जो सिल में मसाला लगा हुआ है, हम पीठी जब पीसेंगे तो मसाला इसमें अच्छे से आ जाएगा। पीठी हम पीस चुके हैं, मसाला भी पीस चुके हैं, अब इसे हम ढक देंगे। और आलू भी यहाँ उबल चुका है, तो इसे हम उतार लेते हैं। जब तक आलू ठंडा होगा तब तक हम पीठी तैयार कर लेंगे। यहाँ 1 बड़ा चम्मच हम घी लिए हुए हैं और थोड़ा सा सरसों का तेल। यहाँ जितना हम घी लिए हुए हैं उतना ही हम सरसों का तेल लिए हुए हैं, आप रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम जो कचौड़ी बना रहे हैं, मूंग के दाल वाली कचौड़ी, तो हम कचौड़ी के पीठी को तैयार करेंगे। मूंग के दाल जो पीसे हुए हैं तो उसी को हम यहाँ तैयार करेंगे मसालों के साथ।
तो यहाँ पे हम कुछ मसाला लिए हुए हैं, थोड़ी सी हींग है और थोड़ा सा जीरा। तेल हल्का हल्का गरम हो गया है, तेल और घी हम दोनों मिक्स किए हुए हैं, इसका स्वाद थोड़ा अलग आता है। तो हम जीरा और हींग को सबसे पहले इसमें हम डालेंगे। कुछ सेकेंड बाद हम यहाँ जो अदरक लिए हुए हैं, तो घिसा हुआ अदरक है, तो हम इसे डाल देते हैं इसमें। अब यहाँ पे जो हम मसाला पीस कर रखे हुए थे उसे हम डालेंगे। कुछ सेकंड हमें मसाला पकाना है, बस तुरंत हमें बेसन को डालना है। यहाँ पे हम बेसन 100 ग्राम लिए हुए हैं, कम से कम 3 पाव मूंग का दाल है हमारा, तो हम 100 125 ग्राम बेसन यहाँ यूज करेंगे। तो हम बेसन को डाल देते हैं। अब इन्हें चलाते हुए पकाएंगे और ध्यान रहे हमें ये सब धीमी ही आंच पे पकाना है, तेज आंच पे हमें नहीं पकाना है। अब यहाँ पे जो हम मूंग का दाल पीसे हुए हैं हम इसको ले लेते हैं। अब इसे हम चलाते हुए काफी समय तक भूनेंगे। कब तक हमें भूनना है? करीब 15 से 20 मिनट तक हमें इसे अच्छे से भूनना है। अगर ज्यादा है तो 20-25 मिनट, आधे घंटे तक भी लग सकता है। तो यहाँ थोड़ा समय हम भून चुके हैं। अब इसमें हम हल्दी मिलाएंगे, 1 से 1.5 चम्मच हम हल्दी लिए हुए हैं। आलू काफी ठंडा हो गया है, गैस इसका निकल चुका है, इसे हम पलट देंगे ठंडा होने के लिए। और यहाँ कुछ समय तक हम भूज चुके हैं, तो हम इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच अमचूर पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 से 2.5 चम्मच गरम मसाला पाउडर, तीन सभी मसाले को हम इसमें मिलाएंगे। और यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक और 1 से 1.5 चम्मच काला नमक, तो इन सभी को हम मिला देंगे। तो कचौड़ी के लिए पीठिया एकदम तैयार हो गया है, अच्छे से पक गया है। हम इसे काफी टाइम तक इसे पका रहे हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसे एक बार चेक करके देखना पड़ेगा नमक उमक कैसा है इसका। तो अब इसे हम उतारेंगे। अब इसमें मिलाएंगे हम कसूरी मेथी। गर्मा गर्म में हम इसे मिला के ढक देंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है, खुशबू इसकी इसमें बनी रहे। अब इसे हम ढक के रख देंगे। अभी आलू ठीक से ठंडा नहीं है, फिर भी हम इसे छिलका उतार रहे हैं, तब तक ठंडा हो जाएगा। एक एक करके हम उतार लेते हैं। आलू निकोल चुके हैं हम और सब्जी के मसाला हम तैयार कर लिए हैं। यहाँ देखिए तड़के के लिए और ये सब सामग्री है, और इसका हम घोल बना के तब सब्जी बनाएंगे। लेंगे हम 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल गरम हो गया है, इसमें हम कुछ खड़ा मसाला डालेंगे। तो खड़ा मसाला हम यहाँ लिए हुए हैं 2-3 तेज पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, थोड़ी सी हींग, जीरा, तीन सभी का हम तड़का लगाते हैं। तो कुछ सेकंड इसे हम पका लिए हैं। अब यहाँ हम डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक है और बारीक कुटा हुआ लहसुन, इन दोनों को इसमें डाल देते हैं। कुछ क्षण इसे भी पका लेंगे। अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। जब तक यहाँ प्याज पक रहा है हम कुछ मसाला को पानी में फेंटेंगे। यहाँ हम मसाला लिए हुए हैं 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर,
डेढ़ चम्मच हल्दी पाउडर, तीन सभी को हम पानी में घोल बनाएंगे। इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। थोड़ा सा प्याज भी पक चुका है, तब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। तो हम हरी मिर्च बारीक 5-6 बड़े बड़े आकार में कट कर लिए हैं। एक मिर्च में दो भाग हम कर लिए हैं। तो यहाँ मिर्च, प्याज और जो तड़का के सभी मसाले हैं हम पका चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाला। सभी को यहाँ पानी डालकर घोल बना लिए हैं, जिसे हम इसमें मिलाएंगे। अब इसे हम ढक देंगे। जब तक मसाला पक रहा है तब तक हम आलू को भी इस तरह से मैश कर लेंगे। हम आलू को कुछ को तो एकदम अच्छे से तोड़ देंगे, कुछ को इस तरह से थोड़ा बड़े टुकड़े में रखेंगे। यहाँ पे एक बात और, आप चाहें तो इस सब्जी में एक चम्मच बेसन भी डाल सकते हैं रसा गाढ़ा होने के लिए, पर मैं तो नहीं डालूंगी क्योंकि पतला ही सब पसंद करते हैं ज़्यादा कचौड़ी या चावल से खाने के लिए। मसाला एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है, देखिए तेल ऊपर आ गया है। तब इसमें हम आलू मिलाएंगे। अब इसमें आवश्यकता अनुसार हम पानी डालेंगे। तो यहाँ हम सब्जी में पानी ऐड कर चुके हैं, यहाँ स्वाद अनुसार नमक भी डालेंगे। अब इसे हम ढक देंगे पकने के लिए। तो सब्जी हम इधर छौंक दिए हैं, रख दिए हैं पकने के लिए। जब तक सब्जी पक रहा है तब तक हम कचौड़ी के लिए यहाँ मैदा लिए हुए हैं, आटा तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम मैदा को छान लेंगे। हम मैदा वाली छन्नी लिए हुए हैं, इसी से छानेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन है। अजवाइन को हम हाथों से इस तरह से मसल के डालेंगे तो इसकी खुशबू इसमें बरकरार रहेगी। और एक चम्मच के लगभग हम इसमें नमक भी डालेंगे। मैदा में हम घी से मोयन करेंगे। यहाँ हम 125 ग्राम घी लिए हुए हैं। आप चाहें तो रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं, चाहे घी से बनाइए चाहे रिफाइंड से। 125 ग्राम घी लिए हुए हैं और मैदा है 1 किलो से ज़्यादा, 1 किलो 1 पाव तक मैदा है। तो हम सभी को मिक्स करेंगे। अब यहाँ हम अच्छे से मोयन कर लेंगे दोनों हाथों से इस तरह से, ताकि इसमें गांठ ना रहे। घी डालने पे, तेल डालने पे मैदा में छोटा छोटा गांठ जैसा बन जाता है गोल गोल, तो उसे हमें हाथों से इस तरह से अच्छे से मिला लेना है। आप देखिए इस तरह से लड्डू बना के, देखिए बंध रहा है ना अच्छे से, देखिए यहाँ ऐसे बंध गया, समझ लिए मोयन परफेक्ट है। अब इसे हम तोड़ेंगे, देखिए यहाँ इस तरह से टूट भी रहा है, एकदम अच्छे से मोयन हो गया है। अब इसे हम नॉर्मल पानी से सानेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे, पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ हमें ज़्यादा ना नरम आटा लगाना है ना ज़्यादा टाइट, मीडियम आटा हमें लगाना है। जिस तरह से हम रोटी वोटी के लिए बनाते हैं, कचौड़ी के लिए हम जिस तरह से आटा बनाते हैं भरने के लिए नॉर्मल गेहूं का आटा, बस एकदम उसी तरीके से हमें ऐसे लगाना है। तो यहाँ हम आटा सान चुके हैं, यहाँ थोड़ा सा हम रिफाइंड लगा दे रहे हैं। इस तरह से हम लगा के और इसे ढक के रख देंगे। 15 से 20 मिनट तक हम इसे रख देंगे। इधर सब्जी भी पक गया है, अब इसे हम उतारेंगे। एक बार इसे हम चला देंगे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, इस तरह से आप भी ट्राई कीजिए। तो यहाँ हम धनिया डाल देंगे इसे।
इसमें धनिया डालने से स्वाद तो दोगुना हो जाता है। तो सब्जी बनकर तैयार है, बहुत ही लाजवाब बनी है आलू की सब्जी। इसे हम ढक के उतार देंगे। हम दूसरी कढ़ाई रखेंगे। यहाँ हम लिए हैं रिफाइन, इसमें थोड़ा सा हम सरसों का तेल मिलाएंगे। रिफाइन और सरसों का तेल मिक्स करके जब आप कचौड़ी तलेंगे तो उसका स्वाद अलग ही आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा और क्रिस्पी रहेगा। तो हम चल रहे हैं अब कचौड़ी की तरफ बनाने। यहाँ मैदा भी काफ़ी समय से हम गूंथ कर रख दिए थे, तो ये भी तैयार है। एक दो मिनट इसको हम अच्छे से मसल लेते हैं। यहाँ हम मैदा मसल चुके हैं, अब थोड़ा सा हम मैदा अलग करेंगे बनाने के लिए और यहाँ ढक के इसे हम रखेंगे। इस तरह से हम कचौड़ी के लिए छोटी छोटी लोई बना लेंगे। अब यहाँ इसे हम इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, आप चाहें तो इसी तरह से बढ़ाइए। मैं तो थोड़ा सा पैठन लगा कर ही इसे बनाती हूँ, कचौड़ी हो या पूड़ी। इस तरह से हम किनारे किनारे जो है किनारे वाला भाग हम थोड़ा सा पतला करेंगे और बीच वाला भाग मोटा है। आप देख रहे होंगे बीच वाला भाग मोटा है और जो किनारे भाग है तो पतला है। तो इस तरह से हम ऐसे कटोरी जैसा बनाएंगे और इसमें हम यहाँ जो स्टफिंग हम बना के रखे हुए हैं इसे हम भरेंगे। आप इसमें जितना भर सकते हैं, एक चम्मच दो चम्मच उतना भर लीजिए। दो चम्मच हम यहाँ भरे हुए हैं और किनारे किनारे जो भाग है इस तरह से हम उसे इकट्ठा करेंगे और हाथों से थोड़ा उसे सेफ्टी देंगे इस तरह से। आप चाहें तो इस आटा जो गोला हो गया यहाँ देखिए एकदम अच्छे से गोला करके, और आप चाहें तो आटा निकाल सकते हैं, बट हम नहीं निकालेंगे। हम इसी में इस तरह से इसे मिलाएंगे और यहाँ देखिए एकदम अच्छी कचौड़ी बनकर तैयार है। और थोड़ा सा हम हाथों में इस तरह से पैथन लगाएंगे और कचौड़ी के ऊपर दोनों तरफ इस तरह से लगाते हुए हम इस तरह से बढ़ाएंगे। तो यहाँ देखिए कचौड़ी बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे और पतला रखना चाहते हैं तो इस तरह से थोड़ा सा पैथन लगा कर ही हम बनाएंगे। इस तरह से ऐसे बेलन से भी हम इसे ऐसे थोड़ा सा शेप दे सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ देखिए हम हाथों से भी बनाए हैं बेलन से। आप अगर बिना पैथन के नहीं बना पा रहे हैं तो हम पैथन से भी बना के दिखा रहे हैं। इस तरह से आपको थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लेना है, उसके बाद इस तरह से आप बढ़ा लीजिए, किनारे किनारे ऐसे बढ़ा लेते हैं। उसके बाद बीच में थोड़ा सा मोटा रखेंगे और यहाँ हम स्टफिंग लेंगे जो हम बनाए हुए हैं भरावन सामग्री। और अगर आप इस तरह से नहीं जैसे हम लोग भरते हैं वैसे नहीं आप भर पा रहे हैं तो इस तरह से आप किनारों किनारों को इस तरह से इकट्ठा कीजिए जिस तरह से आप गुजिया बनाते हैं, देखिए। और बस तुरंत इसे हमें ऐसे इकट्ठा करना है हाथों से। अच्छी तरह से हमें इसे इकट्ठा करके और बस ये आटा हम निकालेंगे नहीं, इस तरह से ऐसे करके और इस तरह से हम दबा देंगे और थोड़ा सा पैथन लगा के उसे समान मात्रा में हाथों के इशारे से इस तरह से गोल गोल चारों तरफ हम पता कर लेंगे। जहाँ मोटा रहेगा हम वहाँ हाथों से उसे समान मात्रा में दबाते हुए बढ़ा लेंगे। अगर आप चाहें तो हाथों से इस तरह से बढ़ा लें कचौड़ी और नहीं तो थोड़ा सा पैथन हाथों से इस तरह से लगा के और थोड़ा सा हल्के हाथों से बेलन से हम इस तरह से बना लेंगे। तो इसी प्रकार हम चार कचौड़ियाँ बना चुके हैं, तो चल रहे हैं इसे फ्राई करेंगे।
यहाँ देखिए तेल हमने रख दिया है गरम होने के लिए, तो ज्यादा गरम ना हो, लाल एकदम ना हो, थोड़ा थोड़ा गरम हो गया है। अब इसे हम एक एक कचौड़ी करके डालेंगे। और धीमी ही आंच पे हमें समोसा के जैसे इसे पकाना है। कुछ टाइम हमें इसे पका लेना है, तब इसे पलटना है, हमें तुरंत कचौड़ी को छूना नहीं है। तब तक हम दूसरी कचौड़ी और बनाते रहेंगे, और इधर कढ़ाई में कचौड़ी भी पक रहा है। तो यहाँ देखिए जो हम कचौड़ी बनाए हुए हैं, इसमें खाने वाला सोडा नहीं यूज किए हैं, फिर भी देखिए कचौड़ी कितना अच्छा, कितना सॉफ्ट फूला है। और ये अच्छे से आप अगर पकाएंगे लाल तरह से, तो बहुत ही क्रिस्पी कचौड़ी बनेगी। तो इसे हम अब पलटेंगे। तो कचौड़ी पक गया है, अब इसे हम निकालते हैं। यहाँ देखिए कितना अच्छा फूला है, जैसे पाव। तो यहाँ खाने के लिए हम सभी कचौड़ी बना लिए हैं, अब चल रहे हैं परसेंगे, निकालेंगे खाने के लिए। तो यहाँ देख लीजिए कितना अच्छा बनकर तैयार है, बहुत ही सॉफ्ट है। यहाँ देखिए किस तरह से फूला हुआ है, बिना खाने वाला सोडा से इस तरह से फूला हुआ है। हम खाने वाला सोडा यहाँ पे नहीं यूज किए हुए हैं, ऐसे ही बनाए हैं, फिर भी कितना खस्तेदार कचौड़ी है। अभी हम आपको तोड़ कर भी दिखाएंगे। थोड़ा हम ज्यादा बना रहे हैं, तो यहाँ हमारी बहन है, हेल्प कर रही है हमारा, इसलिए जल्दी जल्दी बन गया। यहाँ देखिए मूंग दाल की कचौड़ी हम बना लिए हैं, कुछ अभी बाकी है, तो इधर बन रहा है, मेरी बहन बना रही है, और मैं अभी यहाँ खाना निकाल रही हूँ खाने के लिए। तो यहाँ हम सब्जी निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए कितना अच्छा, कितना क्रिस्पी है, देखिए इस तरह से हर जगह मसाला भी पर्याप्त मात्रा में है। तो हम ले चल रहे हैं परसेंगे, हमारे भैया जी आए हुए हैं खाने के लिए, उन्हें हम देंगे। भैया हाथ धोई ला और चीखे देखे कैसन बा, टेस्ट कर, मैं स्वाद बताया, सुपर बा कि नहीं। सुपर ऐसे भी दे दो खाने के लिए, टेस्ट बताओ कैसन बा ना। लो पाय ल तू, खा तू ही खड़े खड़े खाई ले, तब खा, बफर में आई है नन्की।